जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। नमस्कार मित्रांनो अँड वेलकम टू माय चॅनल विनोद ट्रॅव्हलर। तो दोस्तों आज सुबह उठा और सुबह मैंने जब मैंने मेरे मेल चेक किए तो मेरे मेल में एक ऐसा मेल था सो लगा कि मुझे उसके ऊपर ब्लॉग बनाना ही चाहिए। सो दोस्तों आज अपने यूट्यूब फैमिली में मीन्स अपने विनोद ट्रैवलर फैमिली में कुछ तो ऐड होने वाला है, देखते जल्दी डिलीवर हो जाए वो। अभी मुझे सुबह मेल आया है कि डिलीवर हो जाएगा थोड़ी देर में, बट एक घंटा हो गया अभी देखा मैंने, बट अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों एक गार्डनिंग का वीडियो डाला था तो बाद में ये देखिए अभी तक वहाँ ही है। मुझे ये सब यहाँ पे लगाने हैं लेकिन मैंने हमने लगाया नहीं क्योंकि बहुत ये ऐसी हार्ड हो गई थी मिट्टी, सो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने दो, सो दैट्स वाई हमने ये अभी वहाँ पे डाले नहीं है। तो जल्द आज शायद मैं ये पौधे वहाँ पे लगाऊंगा। सो और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैंने वो सीड्स डाले हैं, तो रोज़ चेक करता हूँ लेकिन अभी तो कुछ आए नहीं है क्योंकि हमने कुछ पेड़ लगाया और जल्दी आए ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। होप सो जल्दी आ जाएगा। मैं ये जैसे कुछ तो वहाँ पे ऐसे छोटे पौधे आ गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलो यस। सो दोस्तों फाइनली अपना कुरियर आ गया है, मुझे जस्ट अभी मेल आया है कि इट्स डिलीवर्ड। सो मैं नीचे मेल बॉक्स देखने जा रहा हूँ, वहाँ पे आ गया क्या। चलो फिर मेरे साथ जाते लेने के लिए। सो फाइनली मैं हमारे लेटर बॉक्स जहाँ रहते हैं वहाँ पे आया हूँ, देखते आया क्या। आई ओपन दिस वन। यस सी द बॉक्स इज हियर। तो दोस्तों देखिए फाइनली आ गया है, अभी घर जाके खोलते हैं। चलो अभी तक मैंने वो बॉक्स ओपन नहीं किया, देखिए स्टिल आई एम वर्किंग। सो अभी शाम के 6 बजे, सो अभी एक 10-15 मिनट का काम और बाकी है, सो मैं वो कंप्लीट करता हूँ। देन अगेन मेरा और एक पार्सल आया है लेकिन मुझे वो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, सो आई एम गोइंग देयर विद इन नेक्स्ट अराउंड 10 or 15 मिनट्स। आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे। सो देखता हूँ वो क्या, वहाँ पे शायद से मेरा वो ट्रिमर आ गया है। सो वो बाल देखिए कैसे हो गया यार, ये लॉकडाउन में क्या होगा। इसके लिए मैंने ट्रिमर मंगाया है, देखते हैं अभी आया है कि वो, एंड देन वो अपना बॉक्स ओपन करते ये मेरा काम होने के बाद। चलो फिर और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। देखो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम अपने येलो येलो फ्लावर्स आए, अभी ये येलो फ्लावर्स जाएंगे और ऐसी ग्रीन पत्ती आएगी शुरू होगा। देखिए अभी ये ग्रीन पत्ती आने शुरू हो गई है, हार्डली 1 या 2 हफ्ते में यहाँ पे पत्ते आने चालू हो जाएंगे। सो पहले फ्लावर्स आते हैं एंड देन ग्रीन पत्ती आती है और बाद में ये कलर चेंज कर देते हैं एंड देन पत्तियाँ सब झड़ जाती है, ऐसा ये सब रहता है यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज बोला कितना निकल रहा हूँ। ओके यार ये ना लॉकडाउन। ओके सो दोस्तों अभी ऐसा लग रहा है चलो यार थोड़ा चल के आ जाए, सो मैं अभी चल के निकला हूँ अपने नज़दीक है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। सो बोला पूरे 9 बजे, 9 से 6 बजे तक काम ही चालू रहता है और बैठना ही रहता है अपना आईटी का काम। सो बोलो निकल रहा हूँ अभी चलते चलते ही, और बोलो आपको भी दिखा दूँ कि यहाँ पे कैसा है। देखिए वो देख रहे हैं? वो आ गए। यस देखो TTC, ये है TTC बस। यस
सो बोलो चलो क्या गाड़ी में बैठ के ज्यादा दिखा नहीं सकते, तो बोला चल के जाते हैं, आपको भी सब दिखाता हूँ मैं। बट देखिए कुछ भी नहीं है पीछे मेरे, कोई भी लोग नहीं है, कोई भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सो यहाँ पे इसके लिए हम वॉकिंग पे आ सकते हैं, अगर जॉगिंग किसको करना है वो भी आ सकते हैं। तो नॉर्मल लोग कम है यहाँ पे। सो अच्छा, ये हमारा जो एरिया है वो डाउनटाउन से थोड़ा दूर है, सो दैट्स व्हाई इट्स गुड, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है कुछ बाहर आने का। और ये देखो ग्रीन पत्ते भी आ रहे, अब ये छोटे छोटे हैं, हार्डली वन वीक और सेकेंड वीक में, नेक्स्ट वीक में और उसके नेक्स्ट वीक में ये बड़े हो जाएंगे पूरे। तो ऐसा ये स्प्रिंग महीना रहता है यहाँ पे। और ये देखिए, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये चेरी का है। सो ये चेरी का जो पेड़ है वो सही दिखता है। इस टाइम मैं गया नहीं ड्यू टू दिस कोविड-19। यहाँ पे एक हाई पार्क है, वहाँ पे चेरी ब्लॉसम का एक अलग मीन्स बहुत सारे वहाँ पे पेड़ है। सो वहाँ पे मीन्स लोग उस टाइम पे देखने जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे पार्क में। सो ये कोविड-19 की वजह से पार्क बंद थे, तो कोई भी गया नहीं होगा वहाँ पे देखने के लिए। तो इस टाइम का तो अपना गया, नेक्स्ट ईयर जाएंगे अब देखने के लिए, तब मैं दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, ये देखो क्या पेड़ है, आहा, ये देखो सही है कि नहीं। फ्लावर्स बहुत सही दिखाई देते हैं फ्लावर्स यहाँ पे। मीन्स अभी ये समर आ गया ना, मीन्स यहाँ का फॉरन क्या है आपको मीन्स पता चलता है यहाँ का क्या है। देखिए मैं हर वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये मेरा वीडियो उसको भी लाइक कीजिए। मैं आपके ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो मैं यहाँ के आपको बहुत सारी ये फ्लावर्स दिखाऊंगा, यहाँ के गार्डन्स दिखाऊंगा, यहाँ के नए नए प्लेसेस दिखाऊंगा। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए ये भी पेड़ अभी थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, रेड है रेड, ये देखो यस। अभी देखो इसको पत्ते आएंगे ना, अरे एक नंबर लगेगा। चलो फिर जाते हैं लेने के लिए अपना आ गया सामान, वो पहला वो लेते हैं, बाद में अपने को अनबॉक्सिंग भी करना है। अब हम आ गए वहाँ शॉपर्स ड्रग मार्ट, बहुत बड़ा मेडिकल शॉप है यहाँ का। एंड अभी उसके अंदर ही एक पोस्ट कैनेडा रहता है, सो हम अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ से अपना पार्सल ले लेंगे। चलो फिर जाते हैं अंदर। ऑफिस में जाते वक्त मैं ये बैग लेके जाता था, लेकिन अभी 3-4 महीने हुए बैग ही नहीं लेके जाते, किधर बाहर ही नहीं जाते तो बैग लेने की ज़रूरत ही क्या है। सो अभी ये अपना मटेरियल आने वाला था, तो बोलो चलो यार बैग लेके जाते थोड़ा। चलो जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। ओ वो घड़ी आ गई है अभी। लक्ष कम, वी आर सो एक्साइटेड, राइट लक्ष? यस। ओके सो दोस्तों ये अपना बॉक्स आ गया है, तो अभी हम ये खोलते हैं और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ मैं। हाँ उसके पहले आस्था चलो आ जाओ, यस इधर लेके आई आस्था, चलो कैन वी स्टार्ट नाउ? यस यस लक्ष्य यस। सो दिस इज द न्यू वन इन आवर यूट्यूब फैमिली। दोस्तों
कुछ यूट्यूब में पहली बार कुछ इन्वेस्ट किया है मैंने, पहली बार कुछ लिया हूँ, देखते होप सो आपको भी अच्छा लगेगा। यस यस, फाइनली फाइनली फाइनली। यस दोस्तों, ये देखिए अपना GoPro 8 एक्शन कैमरा। थैंक यू थैंक यू दोस्तों। देखिए अपना ये GoPro 8 ब्लैक एक्शन कैमरा आ गया है। अभी इससे ब्लॉगिंग करूँगा मैं, और बाहर जो भी एक्शन में साइकिल पे करना है, गाड़ी पे कर, गाड़ी में करनी है, सो आई विल यूज़ दिस एक्शन कैमरा टू शूट। चलो थोड़ा खोल के दिखाता हूँ मैं। इसके साथ अभी बाकी की एसेसरीज भी मैंने मंगाई थी, वो अभी तक आई नहीं है। आई थिंक सो नेक्स्ट मंडे आ जाएगी, लेकिन मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। वो एसेसरीज आने के बाद हम पूरा एक बार इसके टेस्ट करेंगे कैसा है, और कैसे यूज़ करते चेक करेंगे, और इसके साथ कैसे शूट होता है, कैसे पिक्चर आते हैं, कैसे फोटोज़ आते हैं, मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। चलो फिर ओपन करते हैं। का अनबॉक्सिंग हुआ है, ये देखिए कितना छोटा सा है। अभी इससे मैं अपनी वीडियो शूट करूंगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, लीनियर, वाइड एंड अदर थिंग्स, राइट। सो लक्ष बहुत देख रहा है इसके वीडियोस यूट्यूब पे, सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू शूट। ओके सो देखते हैं कैसे अपना शूट होगा और कैसे अपने आगे के वीडियोज़ आ जाएंगे। देखिए गाइज, अपने नेक्स्ट वीडियो इससे आ जाएंगे। आई एम नॉट अ वीडियोग्राफर और एनी वॉट फोटोग्राफर प्रोफेशनल वन, बट मैं भी सीख रहा हूँ और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कर रहे, तो सोचा कि अच्छा कुछ तो आपको और दे दूँ मैं। सो दैट्स वाई मैं ये लेके आया हूँ। देखते हूँ मैं कि कैसे अपने आगे के वीडियोज़ आते। आप मुझे सपोर्ट करना और सबके साथ ये वीडियो लिंक शेयर करना, मेरे हर वीडियोज़ देखना, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। व्हाट आस्था, ये आस्था भी आपको कुछ बोलने वाली है, बोलो आस्था, व्हाट यू वांट टू से। सब्सक्राइब माय डैडीज चैनल, ये सब्सक्राइब माय डैडीज चैनल। लक्ष्य, व्हाट यू आर सेइंग। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यस, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद गोप्रो शूटिंग। टाटा एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।